अस्सलाम वालेकुम। आज हम बोमबील फ्राई बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो बोमबील ली हूँ। इसे अच्छे तरीके से हमें 3 से 4 पानी से धोकर लेना है, और मैंने ये बीच से कट लगा कर ली हूँ। इसी तरह से हमें सभी बोमबील में कट लगा कर लेना है। बोमबील फ्राई बनाने के लिए जो मसाला चाहिए हम वो मसाला बना कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें एक बड़ी साइज की प्लेट लेना है, और इसी में आधी कटोरी मैंने ये बेसन ली हूँ। आधी कटोरी हमें बारीक वाली सूजी लेना है, सूजी यानी कि रवा लेना है हमें। और एक छोटी कटोरी मैंने ये घर का बना हुआ मिर्ची मसाला ली हूँ। आप इसके जगह रेड कश्मीरी रेड चिली भी पाउडर डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ये गरम मसाला ली हूँ 1 बड़ा चम्मच। आधा चम्मच हमें धनिया पाउडर लेना है, और आधा चम्मच मैंने नमक ली हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसी में थोड़ा सा ही मैं रेड ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीजों को हमें हाथों से अच्छे तरीके से मिलाकर लेना है, ताकि हमारे सभी मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए। इसी तरह से हमें हाथों से क्रश करते हुए सभी ड्राई मसालों को मिक्स कर कर लेना है। तो अब ये हमारा बोमबील फ्राई करने के लिए मसाला जो चाहिए हमें, वो ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें इस मसाले को बोमबील पर लगा कर लेना है। एक एक हमें बोमबील हाथों से उठाकर इसी में डालकर, इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर हमें ये मसाला लगाना है। हाथों से हमें अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सभी दोनों साइड से हमें मसाले को अच्छी तरीके से कोट कर कर लेना है। इसी तरह से हमें सभी बोमबिल पर मसाला लगा कर लेना है। इसी तरह से मैंने सभी बोमबिल पर मसाला लगा कर ली हूँ, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख कर देंगे। इसके बाद हम इसे फ्राई कर कर लेंगे। तो अब हमें बोमबिल फ्राई कर कर लेना है, तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख कर ली हूँ, और इसी में 1 बड़ा चम्मच हमें तेल डालकर लेना है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हमें एक बोमबिल डालते जाना है। एक बार में आपके जितने पैन में बैठ सकते हैं हम उतने ही डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें ज्यादा हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम ही हमें गैस की फ्लेम को रखना है। एक से 1.5 मिनट के बाद हम साइड को पलट देंगे, जब तक हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर कर लेना है। एक साइड से हमारी हल्की सी बोमबिल फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे पलट देंगे। हल्के हाथों से हमें इसे पलटना है, बार बार हमें इसे अलग पलट नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे बोमबिल नहीं तो टूट सकते। हल्का सा ही हमें सिर्फ इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फ्राई करना है। एक से 2 बार हम अलट पलट कर इसे फ्राई कर कर लेंगे। ज्यादा देर हमें इसे फ्राई नहीं करना है, 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा ही नींबू का रस डालकर ले रही हूँ। ऊपर से हमें रस नींबू का डालने से बोमबिल फ्राई हमारे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप मसाला बनाते समय भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस साइड से भी हमारा ये बोमबिल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब ये हमारे बोमबिल अच्छी तरीके से मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर कर ली हूँ, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर लेंगे। और इसी तरह से हमें सभी बोमबिल फ्राई कर कर लेना है। अब ये हमारे बोमबिल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।